हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे मेरे बच्चे। आज से हम आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम। बहुत इजी चैप्टर है ये। इससे पहले मैं आपको बता दूं यार कि 3 चैप्टर्स मैंने आपको एकदम डिटेल में पढ़ा दिए हुए। सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स, फिर ट्राइंगल और फिर आपका पॉलिनोमियल। अगर आप मुझे को पूछोगे सर लाइंस एंड एंगल ट्राइंगल का क्या सिर्फ एनसीईआरटी करने से बात बन जाएगी या कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, लाइंस एंड एंगल ट्राइंगल गो फॉर एनसीईआरटी ओनली। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से बात बन जाएगी 101% फॉर योर मिड टर्म एग्जाम एज वेल एज फॉर योर फाइनल एग्जाम। क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स में जितना भी कंटेंट दिया गया है एनसीईआरटी में, अगर आप वो एकदम परफेक्ट कर लेते हैं तो इसमें सभी क्वेश्चन, सभी मतलब वैरायटी के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाते हैं। तो अगर कल को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाता है तो आप बड़े मज़े से उसको कर लोगे। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो भी इसमें कॉन्सेप्ट सिखाया गया है। तो मैंने एकदम डिटेल में ये दोनों चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं और इनका वेटेज आने वाले मिड टर्म एग्जाम में बहुत ज़्यादा रहेगा, ये ध्यान रखें। तो प्लीज़ आप इनको एनसीईआरटी से परफेक्ट करो एकदम डिटेल में। इसमें 2 पॉइंट पे ध्यान देना जब आप लाइंस एंड एंगल ट्राइंगल को प्रिपेयर कर रहे हो। सबसे पहले थ्योरम्स, जिनके प्रूफ सिलेबस में हैं उन थ्योरम्स को एकदम परफेक्ट कर लेना। सेकंड, एग्जाम्पल्स। बहुत से बच्चे एग्जाम्पल्स देखते भी नहीं है, टोटली छोड़ देते हैं। नो, एग्जाम्पल्स 100% आपको करनी है। एग्जाम्पल्स में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए एनसीईआरटी में। तो लाइंस एंड एंगल्स ट्राइंगल फ्रॉम एनसीईआरटी और इन दोनों पॉइंट पे ध्यान दीजिए। पॉलिनोमियल चैप्टर एनसीईआरटी में उतना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, बट माय डियर यू डोंट वरी, पॉलिनोमियल के 2 लेक्चर्स मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बना रखे हैं जिनका टाइटल मैंने दे रखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो वो दोनों लेक्चर्स में जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे उन दोनों लेक्चर्स के सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस परफेक्ट कर लेना, फिर पॉलिनोमियल में भी कोई रिस्क नहीं रहेगा। मिड टर्म एग्जाम में अगर कोई इधर उधर से क्वेश्चन बनता है, मानो एनसीईआरटी से नहीं आया, तो आप मान के चलो जो 2 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उसी में से आ जाएगा आपको क्वेश्चन, उसी टाइप का आ जाएगा। बस आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करना कि इसमें क्या सिखाया गया है, ठीक है? तो ये तीनों चैप्टर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं और आने वाले मिड टर्म एग्जाम में अगर आपको ये 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, आ ही रहे होंगे, ट्राइंगल तक तो आता ही है, ऑल इंडिया सीबीएसई स्कूल जितने भी हैं ट्राइंगल तक सिलेबस होता ही है, ठीक है? तो अगर ये तीनों चैप्टर मिड टर्म में हैं तो इनका वेटेज बहुत ज़्यादा होने वाला है। 80 मार्क्स का आपका टेस्ट होता है मिड टर्म का, जिसमें लगभग 35 मार्क्स सिर्फ आपको ये 3 चैप्टर ही दे देंगे। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा मेरे प्यारे बच्चे, ऑन प्रायोरिटी बेसिस पहले ये 3 चैप्टर्स को एकदम परफेक्ट करें जो कि मैंने एकदम डिटेल में पढ़ाए हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, इन तीनों चैप्टर्स की प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जस्ट क्लिक करें, जो भी एक्सरसाइज चाहिए, जो क्वेश्चन चाहिए आपको मिल जाएगा। बस एकदम परफेक्ट होके जाइए आप मिड टर्म एग्जाम में, ठीक है? तो देखिए आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा क्योंकि नंबर सिस्टम इतना ईजी चैप्टर है, इसके अंदर आपको बेसिक नंबर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ये सब पता होना चाहिए। तो मान के चल रहा हूँ ये 9th क्लास के बच्चे को ये सब पता होता है क्योंकि आप बचपन से ही पढ़ते आए हो। नेचुरल नंबर तो आप जब स्कूल भी नहीं जाते थे घर में सीख लेते हो, 1, 2, 3 करके काउंटिंग नंबर्स जिन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर आ गए, फिर इंटीजर्स आ गए, फिर फ्रैक्शंस आ गए, बहुत सारी चीज़ें। तो उसका लेक्चर मैं अलग से बना दूंगा बेसिक अगर नंबर्स की नॉलेज आपको नहीं है। आज जो मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है और आज के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बेसिक से लेकर हॉट क्वेश्चन तक मैंने यहाँ पर रखे हैं। टोटल मैं 20 क्वेश्चंस आज आपको करवाने वाला हूँ। अगर आप ये 20 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो रैशनलाइजिंग का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ गया एकदम आप फोड़ के आओगे एग्जाम में, 101% आप रैशनलाइजिंग करके आओगे। बट लेक्चर को कंप्लीट देखना है और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। इनिशियल जो 5-6 क्वेश्चन हैं वो बेसिक है टोटल, ये बताने के लिए रैशनलाइजिंग कैसे करना होता है, बट उसके बाद के क्वेश्चन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए जब रैशनलाइजिंग कर रहे हो। अच्छा, ये सिलेबस है आपका, ये भी देख लो, सेशन 2023-24 CBSE वेबसाइट पर ही आपको सिलेबस मिल जाएगा। टोटल 5 एक्सरसाइज हैं एनसीईआरटी में, हर एक एक्सरसाइज एक कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, उसके बाद ये फोर्थ पॉइंट, ये फिफ्थ पॉइंट। आज मैं फोर्थ पॉइंट पे डिस्कशन कर रहा हूँ, रैशनलाइजेशन। इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी
इजी कॉन्सेप्ट। मेरे बच्चे, रैशनलाइजिंग करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैंने कहीं लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ टू, नाउ दिस इज व्हाट, इट इज अ नंबर, विच नंबर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कौन सा नंबर है? तो मेरे बच्चे, ये आपका जो नंबर है इरैशनल नंबर है, इतना तो हमें पता होना चाहिए। अगर आप रूट टू की वैल्यू निकालोगे तो इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगी वो आएगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है? जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरैशनल नंबर्स होते हैं, तो रूट टू आपका एक इरैशनल नंबर है। कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आ गया तो समझो वो इरैशनल है, लाइक 3, 5, रूट 11, ये सब इरैशनल नंबर्स हैं। तो जो इरैशनल नंबर्स हैं उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, रैशनल बना रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन, दैट प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट इरैशनल नंबर टू रैशनल नंबर। रैशनल क्या होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से वो टर्मिनेटिंग होते हैं, और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं रैशनल नंबर्स, और इरैशनल की अलग कैटेगरी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? यू मस्ट नो स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री, दे आर ऑल इरैशनल नंबर्स। अगर मैं किसी इरैशनल नंबर में कोई रैशनल नंबर प्लस भी कर देता हूं तो ये होल क्वांटिटी जो बनेगी ये भी इरैशनल ही होगी, प्लस करने से इरैशनल नंबर रैशनल नहीं हो जाता। लेट अस सपोज अगर कोई इरैशनल नंबर है और इसके साथ मैं कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये इरैशनल है और ये रैशनल है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे ये रैशनल नहीं बन जाएगा, ये इरैशनल ही रहेगा। ऐसे ही डिफरेंस में, ऐसे ही डिवीजन में, कोई भी इरैशनल में अगर आप कोई रैशनल नंबर प्लस कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो इरैशनल ही रहता है, ऐसा एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नाइन्थ क्लास के बच्चे को इतना होता है क्योंकि एट्थ क्लास में आप यही सीखते हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो उसमें आपको समझ में आ जाता है ये नंबर इरैशनल है या नहीं। फिर भी जब मैं एक लेक्चर लूंगा नंबर्स के बारे में उसमें डिटेल में आपको बता दूंगा। और भी दो चार पॉइंट्स आप माइंड में रखें। लेट अस सपोज आपने कहीं लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी, दो इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई में आ गए, तो मेरे प्यारे बच्चे इनका आप स्क्वायर रूट कंबाइन कर सकते हैं और दोनों नंबर आपके स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं स्क्वायर रूट ऑफ टू, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री लिखा है तो आप स्क्वायर रूट कंबाइन कर लो और टू और थ्री मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, टू थ्री जो यहाँ पे आप सिक्स लिख लो। अगर कहीं पे स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए लिखा है, यानी सेम ही इरैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे बच्चे इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, फिर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा। तो आपको ये स्टेप नहीं करना होता, आपको ये समझना है स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए होता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, सो व्हाट इट इज, इट इज 5, डायरेक्ट लिखना आपने, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट कंबाइन हो जाता है ना और बीच में दो फैक्टर आ जाते हैं सेम वाले, तो एट्थ क्लास में यही सीखा ना आपने स्क्वायर रूट में सेम फैक्टर आ जाए, यानी अगर पेयर बन जाए सेम नंबर का तो वो स्क्वायर रूट परफेक्ट हो जाता है, वो नंबर परफेक्ट हो जाता है, तो उसका स्क्वायर रूट हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। तो ये बेसिक सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ऑन दिस बेसिस आज का टॉपिक आप अच्छे से समझ पाओगे। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/√2, देखो हर क्वेश्चन में लिखा है रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो इरैशनल है उसको रैशनलाइज करना होता है, तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में मैंने रखा है वो इरैशनल नंबर है, इसको रैशनल बनाना है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा होगा क्या, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कई बार ऐसा भी लिख सकते हैं रैशनलाइजिंग द न्यूमिनेटर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ज़्यादातर आप डिनोमिनेटर को ही रैशनल बना रहे होते हो। अब डिनोमिनेटर को ही हम रैशनल क्यों बनाते हैं, ये भी एक कहानी है जो लास्ट में सुनाऊंगा मैं, ध्यान से चलो लेक्चर देखते जाओ। देखो अगर मैंने कहीं लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2/5, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, तो वहां पर लिखा होगा रैशनलाइजिंग द न्यूमिनेटर, तो आपको पूछेगा कैसे बनाते हैं यार न्यूमिनेटर को रैशनलाइजिंग, रैशनल कैसे बनाओ, तो वही आप यहां पे सीखने वाले। तो कहने का मतलब डिनोमिनेटर में इरैशनल है तो उसको आप रैशनल बना रहे हो, अगर न्यूमिनेटर में इरैशनल नंबर है तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूमिनेटर इरैशनल को
रैशनल बनाओ, प्रोसेस सेम है करने का, लेकिन आपको ऐसा रेयरली पूछा जाता है, तो ज्यादातर डिनोमिनेटर ही इरेशनल होता है जिसको आपको रैशनल बनाना होता है। इज इट ओके? चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट हमारा बेसिक क्वेश्चन है 1/√2। मेरे बच्चे, डिनोमिनेटर में जो रैशनल नंबर, सिंगल रैशनल नंबर, इसके साथ कोई भी चीज़ प्लस या माइनस नहीं हो रही, मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ कोई भी नंबर प्लस या माइनस नहीं हो रहा, ये सिंगल नंबर मानो, तो इसी इरेशनल के साथ आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना होता है इसी क्वांटिटी को, इसी नंबर को। तो 1 √2 इज दिस, √2 √2 अभी बताया कि सेम नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इरेशनल वाले, तो क्या आएगा, तो √2 √2 क्या होगा, 2 होगा, बस यही आंसर। एनसीईआरटी में ऐसे बेसिक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो ऊपर आ गया 3 √5, तो आपको इसको 3 √5, 3 √5, अब 5 × 3 = 15 मत कर देना, √5 एक इरेशनल नंबर है, 3 एक रैशनल नंबर है, मल्टीप्लाई होकर कुछ नहीं मिलने वाला, बस इसको 3 √5 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई में इनको लिख देना है, नीचे √5 √5 5 आ गया। देखो डिनोमिनेटर रैशनल बनते जा रहे हैं, ये 2 रैशनल बना दिया, 5 रैशनल बना दिया, बस यही काम करना आपको। दो क्वेश्चन हो भी गए, टोटल कितने बोले मैंने, 20 क्वेश्चंस करवाने वाला। नेक्स्ट फिर से बेसिक क्वेश्चन। अब यहां पर मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, अब बगल में मैंने 2 लिख दिया, तो आप परेशान ना हो, ये 2, आप फोकस करें अपने इरेशनल नंबर पे, तो इरेशनल नंबर आपका कौन है, √11, तो आपने √11 के साथ यहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 को साथ में लिखने की कोई जरूरत नहीं। 7 √11, ये 2 अपनी जगह रहेगा, √11 × √11 11 हो जाएगा, ठीक है, और 2 × 11 22, आगे जो भी कैलकुलेशन है दैट यू नीड टू डू, 22 एक रैशनल नंबर है, दैट्स ऑल। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखो, फर्स्ट 4 क्वेश्चन में आपने नोटिस किया डिनोमिनेटर में जो मैंने इरेशनल नंबर रखा था वो सिंगल टर्म थी, अब यहां पे दो दो टर्म्स आना स्टार्ट हो गई, ठीक, तो डिवाइड में आ गया 2 + √3, एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो कभी भी डिनोमिनेटर में दो टर्म्स आएंगी, दोनों इरेशनल भी हो सकती हैं, और एक रैशनल और दूसरी इरेशनल, दोनों रैशनल तो हो नहीं सकती है क्योंकि ऑलरेडी वो रैशनल ही होगा, तो इसलिए एक यहां मैंने रैशनल नंबर रखा है, एक इरेशनल नंबर लिखा है, तो इसको एक एज ए फैक्टर समझो, एक फैक्टर लिखा हुआ, तो आपने इसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, बस थोड़ा सा चेंज क्या करना है, इन दोनों के बीच में जो साइन होता है उसका अपोजिट साइन वाला फैक्टर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, दैट्स ऑल, और कैलकुलेशन करते जाना है। तो मेरे बच्चे यहां पे कर रहा हूं मैं इसको 1/√3, तो ये फैक्टर का सेम फैक्टर बट साइन बीच में, उसको कंजुगेट बोलते हैं, जैसे 2 + √3 इसका कंजुगेट है 2 − √3, कंजुगेट बोलते हैं, तो 9th में ये टर्म कम ही यूज होती है, बट यू मस्ट नो, दैट्स ऑल, समझ आ गया, जो फैक्टर आपको डिनोमिनेटर में दिखेगा उसी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, लेकिन साइन बदल देना है, जो मिड में साइन होगा, अब 1 के साथ इंटू करोगे इस फैक्टर को तो सेम ही रहेगा। कभी भी 2 टर्म्स वाले को रैशनलाइजिंग कर रहे हो, इस एग्जांपल में जो आपको मैं बता रहा हूँ ये 2 टर्म्स वाला डिनोमिनेटर है, कभी भी 2 टर्म्स वाले को रैशनलाइजिंग कर रहे हो, डिवाइड में हमेशा आपका आइडेंटिटी बनेगा, जो पॉलिनोमियल में मैं आपको सिखा चुका हूँ, कौन सा आइडेंटिटी बनेगा, a + b a - b, यहां मैं आइडेंटिटी लिख भी देता हूं, ठीक है मेरे बच्चे, आपका आइडेंटिटी बन रहा है a + b a - b, तो ये सीखा भी पॉलिनोमियल में, सिखाया डिटेल में, इसका प्रूफ करवाया, क्वेश्चंस करवाए, तो क्या होता है ये a² - b², तो इसको आप a समझो, इसको b, ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लगा दो, हमेशा बनेगा आइडेंटिटी जब भी 2 टर्म्स वाला डिनोमिनेटर है, आगे बंद करके लिखो a² - b², कोई प्रॉब्लम नहीं, तो देखे यहां पर ये आ गया a² बीच में माइनस और b हमारा √3 उसका स्क्वेयर, थोड़ी सी कैलकुलेशन करो ये अपने आप रैशनल में कन्वर्ट हो जाए, इट इज 2 − √3, 2 का स्क्वेयर इज 4, √3 का स्क्वेयर कितना होता है, देखो बेटे √3 का स्क्वेयर, अब √3 का स्क्वेयर मतलब कि √3 दो बार है, √3 × √3, अब √3 × √3 क्या हो गया, अभी सिखाया आपको मैंने, ये 3 बन गए, तो यहां ऐसे समझ सकते हो ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्क्वेयर रूट पावर 1/2 होती है, वो भी आप सीखोगे आगे चलकर, यहां पर आपका 3 आ गया, तो ऊपर आ गया 2 − √3, 4 में से 3 गया 1, दैट्स ऑल, दिस इज योर आंसर, डिनोमिनेटर आपका रैशनल बन गया, 1 हो गया, इज इट क्लियर, तो ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, एनसीईआरटी में भी हैं आपके पास। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6,
ये भी फिफ्थ क्वेश्चन जैसा है, लेकिन फिफ्थ में क्या था कि एक नंबर मैंने यहां पे रैशनल रखा था और एक इरेशनल, दोनों अब इरेशनल आ गए। काम वही करना है जो मैंने आपको बताया, ये फैक्टर दिख रहा है, इसी फैक्टर के साथ आपको इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, इसके कंजुगेट के साथ। क्या होता है कंजुगेट? बीच का साइन बदलना होता है, माइनस था अब ये प्लस कर देना, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना। थ्री को बाहर ही रखें, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला। नीचे फिर बोला मैंने आइडेंटिटी बनेगी जब भी दो टर्म वाले को रैशनलाइजिंग कर रहे हो, तो यहाँ आएगा आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सिंप्लीफाई करते जाओ। थ्री को बाहर रखा, कोई मल्टीप्लाई का फायदा नहीं इसलिए बाहर रखें। रूट टू का स्केयर इज टू, रूट थ्री का स्केयर इज थ्री, ये आ गया थ्री रूट टू प्लस रूट थ्री, टू में से थ्री गया माइनस वन। अब ये माइनस आप ऊपर थ्री के साथ लिख लें, डिवाइड में माइनस कभी ना रखें अगर सिंगल माइनस आ रहा है किसी नंबर के साथ। तो दिस योर आंसर, दैट्स ऑल, डिनोमिनेटर रैशनल हो चुका है, वन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेवन, यहाँ भी दो इरेशनल नंबर है और साथ में मैंने थ्री और टू लगा दिया। अब यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, जब सिंगल टर्म थी ना लाइक वन बाई टू रूट थ्री, तो जब मैंने इसको रैशनलाइजिंग किया रूट थ्री, तो ये टू मैंने साथ में नहीं लिखा, नहीं लिखना है सिंगल टर्म के लिए। लेकिन जब दो टर्म्स आ गई हैं और साथ में नंबर थ्री टू है, तो ऐसा मत करना कि थ्री टू लिखो ही मत, ये लिखने हैं साथ में जो रैशनल नंबर आ गए, क्योंकि यहाँ पर ये एज ए फैक्टर आपको समझना है। यहाँ पर थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री, ये थ्री टू लिखना है, ऐसा मत करना जैसे सिंगल में हम नहीं लिखते हैं तो इस पर भी मत लिखो, नो, लिखना है इसको। तो थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री करो मल्टीप्लाई, फाइव फिलहाल हम बाहर रख रहे हैं, ऊपर वाले फैक्टर को मल्टीप्लाई तभी करो जब यहाँ भी दो दो टर्म्स का कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई रैशनल नंबर दो दो टर्म्स का लिखा हुआ है। सिंगल टर्म फाइव है, अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं, करना चाहते हो तो कर भी सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटते आपके। तो इट इज ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री। अब आपको समझना पड़ेगा थ्री रूट टू का स्केयर कितना होता है। तो थ्री टू टू का स्केयर अगर आपको समझ में ना आए कि सर होता गया है, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि किसी का स्केयर है तो मतलब वो दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो थ्री रूट टू का स्केयर है तो आप इसको दो बार लिखो ना, थ्री रूट टू इंटू थ्री रूट टू, ऐसे लिखो। फिर थ्री इंटू थ्री जो रैशनल नंबर है उनका अपना मल्टीप्लिकेशन करो, थ्री इंटू थ्री नाइन होता है, फिर रूट टू सर जी टू होता है, नाइन टू जर सर एटीन होता है, ये रफ में करो और एटीन डायरेक्ट लिखो, कोई मार्क्स नहीं कटते अगर आप एटीन डायरेक्ट लिख रहे हैं। टू का स्केयर फोर होता है, रूट थ्री का थ्री स्केयर रूट कट जाएगा, थ्री बचेगा, तो फोर थ्री सर यहाँ पर ट्वेल्व आएगा। तो फाइव थ्री रूट टू प्लस टू रूट थ्री डिवाइड में एटीन में से ट्वेल्व सर जी सिक्स, देखो डिनोमिनेटर रैशनल बन चुका है। तो ये बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे एट्थ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन देख के बिल्कुल नहीं घबराना कि सर दो दो स्केयर रूट आ गए, मेरे बच्चे ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये जो ऊपर स्केयर रूट लिखा हुआ ना, इसका फिलहाल स्टार्टिंग में कोई रोल नहीं है, एंड में देखेंगे क्या बनेगा। आपको बस स्केयर रूट बड़ा वाला लिखते जाना है, आपने रैशनलाइजिंग अंदर वाले पार्ट को करना है, सिंप्लीफाई करते जाना है, और लास्ट में इसमें लिखा गया है रूट थ्री की वैल्यू डालो 1.73, ये वैल्यू भी डालनी है और सिंप्लीफाई करके आंसर भी बनाना होता है। देखें यहाँ पे स्केयर रूट ऑफ दिस नंबर, अब रैशनलाइजिंग में क्या लिखना है, टू प्लस रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री डिवाइड में आइडेंटिटी। और जैसे आप रैशनलाइजिंग करने लगे, आप न्यूमिनेटर पार्ट को देखो, न्यूमिनेटर में ये दोनों फैक्टर सेम हो गए, तो जब दोनों फैक्टर सेम हो गए हैं, जहाँ तो नॉर्मली इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो टू को दोनों के साथ, रूट थ्री को दोनों के साथ, जहाँ फिर दोनों फैक्टर सेम है, तो इनका होल स्केयर बना लो, होल स्केयर से आइडेंटिटी ओपन कर सकते हो। नहीं तो इस क्वेश्चन में स्पेशल है कि इसके ऊपर स्केयर रूट लगा हुआ है, तो होल स्केयर बना हुआ है, रूट कट जाएगा। सर क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। देखो टू प्लस रूट थ्री इसका स्केयर आ गया, और ये होल स्केयर भी तो लगा हुआ है, इसका स्केयर मैं अलग देर कर देता हूँ, उसका वो डिवाइड वाले का स्केयर अलग रखेंगे। अब नीचे ये आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो टू का स्केयर और रूट थ्री का स्केयर। अब ये स्केयर और ये स्केयर रूट कैंसिल हो जाता है, ठीक है, ऐसा आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं कटते। ये तो टू प्लस रूट थ्री आ गया। अब नीचे क्या चल रहा है, स्केयर रूट बड़ा वाला तो है ही है, अब टू का स्केयर फोर होता है, रूट थ्री का स्केयर सर जी थ्री होता है, फोर में से थ्री गया वन, और वन का स्केयर रूट कितना होता है, वन ही होता है। आपका टोटल आंसर आया टू प्लस रूट थ्री,
जो क्वेश्चन देखने में बहुत भयंकर टाइप लग रहा था कि सर कैसे मैनेज होगा, कितनी जल्दी मैनेज हो गया, कितना सिंपल वे में आपको समझ में आ गया। तो अब 2 + √3 में क्या करना है, √3 का वैल्यू डालना है, 1.73। इसने बोला है √3 का वैल्यू डालो, तो डालिए √3 का वैल्यू, इसको प्लस कर दो तो 3.73 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बड़ा देखने में बहुत बड़ा है, घबराना नहीं इसको देखकर, सिंपल होता है, बस थोड़ी कैलकुलेशन करते जाओ। बड़े बड़े क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं अभी। नाउ द 9th क्वेश्चन, ये भी बेसिक है, रैशनलाइजिंग करो इसको, फैक्टर देख लो डिवाइड में, 6 - 4√3, 6 - 4√3, ऊपर दोनों फैक्टर बचे सेम हो गए हैं। अब इसमें क्या है कि होल स्केयर रूट नहीं लिखा हुआ, तो दोनों फैक्टर जो सेम हुए हैं उनका स्केयर किसी से कटेगा नहीं, तो आइडेंटिटी लगाकर उसको ओपन करना पड़ेगा। देखते जाओ मेरे बच्चे, ये बन गया आपका 6 - 4√3, दोनों फैक्टर सेम है तो ऐसे होल स्केयर बना लेना, और 6 + 4√3, 6 - 4√3, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये हो गया ए स्केयर और ये हो गया बी स्केयर, सिंप्लीफाई करना। अब मेरे बच्चे जो आइडेंटिटी मैं बोल रहा हूँ आपकी फेवरेट, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी का होल स्केयर क्या लिखेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 ए एंड बी, सिंप्लीफाई करते जाना, 6 का स्केयर 36, 4√3 का स्केयर, 4 का स्केयर 16, √3 का स्केयर कट जाएगा तो 16 × 3 = 48, सिंप्लीफाई करते जाना, ये आ गया 36, 4 का स्केयर 16, 16 × 3 = 48, 6 × 2 = 12, 12 × 4 = 48 √3। मैं से समझता हूँ कि इसके बाद आप कर लोगे यार, बस इन दोनों नंबर को प्लस कर लेना, 36 में से 48 माइनस करके जो आएगा फिर उसमें कॉमन लेके चलो मैं कर देता हूँ आगे, ठीक है, कोई मिस्टेक ना हो जाए, आगे कर देता हूँ। 36 और 48 को प्लस कर लो, इनको प्लस किया सर, 8 and 6 = 14, 1 कैरी, 4 and 3 = 12, 12 and 1 सॉरी 4 3 7, 7 and 1 8, अभी आ गया 48√3। नीचे हम माइनस कर रहे हैं 36 में से 8, सर 8 में से 6, सर जी 2, 4 में से 3 1, ये आ गया माइनस। अब 84 और 48 में कुछ कॉमन है वो आप देख लो, 2 तो कॉमन नज़र ही आ रहा है, 6 भी कॉमन नज़र आ रहा है, क्या 12 कॉमन है, 12 भी कॉमन नज़र आ रहा है, तो 12 कॉमन लेके ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे मैंने 12 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है, सॉरी 7 नहीं बचेगा, 84, हाँ 7 बचेगा, सॉरी 7 2 = 14, 4 7 1 = 8, 84, 12 7 = 84 होता है, तो 12 कॉमन ले लिया, 48 में से 12 कॉमन ले लिया, पीछे बचा 4√3। अब डिवाइड में क्या है, -12, देखो 12 12 कट गए, अब जो नीचे माइनस आ रहा है ना ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इनके साइन बदल जाएंगे, 4√3 पहले आ जाएगा और जो नंबर क्या है था 7, 7 बाद में हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो कई बार आइडेंटिटीज आप बनेंगी सामने, तो पॉलीनोमियल में सीखी हुई, बस आइडेंटिटी आपने ओपन करके सिंप्लीफाई करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th, अब आप मान के चलो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए। फर्स्ट जो 9 क्वेश्चन थे दे आर द बेसिक क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी वैसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए 10 to 20 तक, समझो इसी टाइप के, ज़्यादातर टीचर पूछता आपको नंबर सिस्टम चैप्टर टॉपिक दिस रैशनलाइजिंग से। ये क्वेश्चन देखने में बच्चों को डराते हैं थोड़ा सा, बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, सर ये पता नहीं क्या पूछ लिया। बेसिकली जो अभी आपने 9 क्वेश्चंस किए ना उनसे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं ये, तो पहले तो इनको देख के बिल्कुल घबराना नहीं आपने कि सर ये क्या टर्म आ गई। देखो यहाँ एक्स दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू ढूंढनी है, अभी एक्स तो दिया ही हुआ है, एक्स की जगह एक्स लिख देंगे, अब 1/x का मसला है। अब कई बार इसका बच्चे एलसीएम लेना स्टार्ट कर देते हैं, कोई एलसीएम एलसीएम नहीं लेना, आप 1/x जो टर्म है इसकी वैल्यू को ढूंढ लेंगे, जो एक इसी टाइप का कोई नंबर ही आएगा, ठीक है। अब देखो कैसे इसकी शुरुआत ही आप यहां से करेंगे कि मैं 1/x की वैल्यू निकालने वाला, तो x की जगह मैंने उसका वैल्यू लिख लिया, देखो 1/x 1, ये x का ये वैल्यू लिख लेना। अब ये क्वेश्चन आपका एकदम बेसिक क्वेश्चन बन गया, जो आपने 4th या 5th क्वेश्चन दिया मैंने स्टार्टिंग में, करना वही है जो आपने बेसिक क्वेश्चन में किए, तो इसलिए बोल रहे हैं इनको देख के घबराना नहीं, करना वही है जो किया अभी अभी किया है। तो आपने इसको क्या करना है, रैशनलाइजिंग करना है, 3 - 2√2, 3 - 2√2, ठीक है।
यहाँ ऊपर वन है तो ये सेम आ जाएगा, नीचे आइडेंटिटी बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब यहाँ पे थ्री माइनस टू रूट टू, थ्री का स्केयर बचे नाइन होता है, टू का स्केयर बचे फोर होता है, रूट टू टू बन जाएगा, फोर टू सा एट आ गया, तो नाइन में से एट गया वन हो गया, तो थ्री माइनस टू रूट टू। अब देखो x का ये वैल्यू है और वन बाई एक्स का ये वैल्यू, इन दोनों को प्लस करना है, बहुत सिंपल बहुत सिंपल, कभी मत घबराएं। जो 20 क्वेश्चन आज के हैं ना कर लोगे तो यार नाइन्थ की टेंशन भूल जाओ, आप नाइन्थ की टेंशन भूल जाओ, फाइनल तक, फाइनल एग्जाम तक इस चैप्टर का रैशनलाइजिंग का टॉपिक आप अटेम्प्ट कर लोगे। एक्स आपका ये आ गया एक्स का, और वन बाई एक्स का वैल्यू आपने ये निकाला जिसको सर्कल किया, थ्री माइनस टू रूट टू, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, थ्री और थ्री कितना होता है सिक्स होता है। इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, देख के बस घबराना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें भी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, सर ये ए बी कहाँ से आ गया, इसी को आपको फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू, ये भी बेसिक क्वेश्चन है, तो ये जो सामने लिखा हुआ है इसको देख के घबराओ मत, बस इसके इक्वल ये गिवन है, आपको ऐसे इसको लिखते जाना है, बस ये आपकी मजबूरी है, आपका फोकस इसी पे होना चाहिए, इसको आप रैशनलाइजिंग करो और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। देखो कैसे करें, रैशनलाइजिंग करते जाना है बस आपको। ये आपका आ गया रूट थ्री माइनस वन के साथ, और ये इसके सामने बस इसको लिखते जाओ, ये दोनों सेम हो गए, ये बन गया रूट थ्री माइनस वन का स्केयर, नीचे आइडेंटिटी बन गई ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए प्लस बी रूट थ्री साथ में लिखते जाना, इसी फॉर्म यही फॉर्म आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में बन जाएगी। अब रूट थ्री माइनस वन का होल स्केयर है तो आइडेंटिटी से ओपन होगा ये, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, और नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर करेंगे तो थ्री माइनस वन आ रहा है, और यहाँ पर आप लेके चल रहे हैं ए प्लस बी रूट थ्री। ठीक है, क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे फोकस करो ना, फर्स्ट नाइन में क्वेश्चन कवर हो चुका है, क्यों घबराना है इनको देखकर। रूट थ्री का स्केयर थ्री होता है, यहाँ वन आ गया, इट इज़ टू रूट थ्री, तीन में से एक गया सर जी दो, ए प्लस बी रूट थ्री, फिर थ्री एंड वन सर फोर, इट इज़ टू रूट थ्री, नीचे टू इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री, फोर और टू में बच्चे टू कॉमन, अब कई बच्चे टू और फोर ऐसे कैंसिल करते हैं, ऐसे कैंसिल नहीं होता बच्चे, क्योंकि उसमें कोई चीज़ माइनस प्लस हो रही है, कॉमन लेके आप कैंसिल कर सकते हैं, तो टू कॉमन लिया यहाँ पर ये बचा नीचे टू, ये दोनों कैंसिल हो गए, पीछे बच रहा है ए प्लस बी रूट थ्री। ठीक, तो हमारे पास आया टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। अब देखो आपकी लेफ्ट साइड कितनी सिंप्लीफाई होगी, अब कुछ नहीं करना, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो कि इक्वल है, गिवन है ये, आप बस इनको कंपेयर करें, कंपेयर इन द सेंस मैं आपको अगर ये पूछूं कि लेफ्ट साइड में ए की जगह कौन आ गया राइट साइड के साथ कंपेयर करते हो, तो आप देखेंगे सर ए की जगह टू आ गया, तो बस ए का जो वैल्यू है वो टू हो गया। फिर मैं आपको पूछूंगा बी की जगह यहाँ पे कौन आ गया, देखो रूट थ्री तो अपनी जगह है ही, उनको मत देखो, बी की जगह पूछ रहा हूँ कौन आ गया, रूट थ्री का कोफिशियंट कौन है लेफ्ट साइड में, यहाँ रूट थ्री का कोफिशियंट है बी, यहाँ रूट थ्री का कोफिशियंट कौन है माइनस वन, तो बी का वैल्यू कितना आया माइनस वन, यही काम है बस, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी सिंपल, रैशनलाइजिंग ही करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसमें होल स्केयर लगा दिया, और बोलो सर होल स्केयर वाला बिल्कुल सिमिलर है जो मैंने एक्स प्लस एक्स वाला करवाया, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस इस पे स्केयर लगा दे, जो वैल्यू आएगी उसको स्केयर कर देना, तो ऐसी टर्म देख के बिल्कुल घबराए ना। तो मेरे बच्चे ए हमें दिया हुआ है तो मैं वन बाई ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ, रैशनलाइजिंग रूट टू माइनस वन के साथ, ऊपर आएगा रूट टू माइनस वन, नीचे आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आ गया रूट टू माइनस वन, टू रूट टू का स्केयर टू होता है, टू माइनस वन तो रूट टू माइनस वन, तो वन बाई ए का ये वैल्यू है, तो आपको फाइंड क्या करना है, ए माइनस वन बाई ए का होल स्केयर फाइंड करना है। तो पहले ए का वैल्यू लिखो सर रूट टू प्लस वन, फिर वन बाई ए का वैल्यू लिखो, वन बाई ए का वैल्यू आया रूट टू माइनस वन, ब्रैकेट्स का थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि माइनस है तो ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, होल स्केयर अपनी जगह चल रहा है, रूट टू प्लस वन इसका ब्रैकेट ओपन किया माइनस रूट टू प्लस वन हो गया, ये रूट टू कैंसिल हो गया, वन प्लस वन कितना होता है टू होता है, टू का स्केयर कितना होता है फोर, लो भाई क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है,
बस आपका मन होना चाहिए करने का कि सर हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहे हो आप, हमने करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, मिड टर्म एग्जाम में हमने बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने। क्वेश्चन नंबर 13, हमें एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एक्स स्क्र वाई स्क्र। जैसे बच्चा मिड टर्म में क्वेश्चन देखेगा ना इस टाइप का, बच्चा कहेगा अरे बाप रे इतना भयंकर क्वेश्चन कुछ नहीं है ये, आपको बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन मैंने करवाए हैं फर्स्ट 9 वही क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा टर्म फाइंड करने के लिए बोल दिया एक्स्ट्रा आपको, तो आपको इसका स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर चाहिए। तो पहले आप इन दोनों टर्म्स को सिंपल बना लो रैशनलाइजिंग करके, फिर इनका स्क्वेयर करो। तो एक्स का जो वैल्यू है इसको हम पहले क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे। क्या आएगा, √3 - √2, √3 - √2। चलो करो रैशनलाइजिंग। रैशनलाइजिंग का जो होता है पैटर्न लिख दिया, अब ऊपर तो सेम ही फैक्टर आ गया, फिर इसका होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या है a+b a-b, तो आ गया a² - b²। ऊपर आइडेंटिटी ओपन करनी, अब थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ a² b² तो हो गया 3 और 2 बचेगा तो स्क्वायर उड़ जाएगा। फिर आ गया 2ab, तो जब 2ab लिखूंगा √3 √2 √6 बन जाएगा, और डिवाइड में √3 का स्क्वायर 3 √2 का स्क्वायर इज 2। 3 में से 2 गया 1, ऊपर बन गया 5 एंड -2√6। तो ये किसकी वैल्यू मैंने निकाली, एक्स की वैल्यू, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, रैशनलाइजिंग कर लिया, तो एक्स की ये वैल्यू है। इसी तरह से वाई की कुछ ऐसी वैल्यू आएगी, फिर इनका स्क्वेयर करके सिंप्लीफाई कर देना है। तो स्क्वेयर एक साथ ही करते हैं, अभी एक्स देखो मैंने कैसे सिंप्लीफाई कर लिया। अब उठाओ वाई को, तो वाई आपका √3 + √2 एंड √3 - √2। करें बेटा रैशनलाइजिंग, √3 + √2 √3 + √2, नीचे आइडेंटिटी, ऊपर भी सेम फैक्टर, ऊपर भी आइडेंटिटी से ओपन होगा। √3 + √2 का होल स्क्वायर, इट इज √3 का स्क्वायर एंड √2 का स्क्वायर। बताइए अब a+b का होल स्क्वायर है, a² = 3 b² = 2 2ab + √6। नीचे कैसे आ गया, √3 का 3 और इसका 2, 3 में से 2 गया 1, तो इट इज 5 + 2√6। ये y का वैल्यू आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना था, x² + y²। अब बताइए x का वैल्यू क्या था, 5 - 2√6 इसका स्क्वेयर, प्लस व्हाट इज y का वैल्यू, ये अभी निकाला आपने, इसका स्क्वेयर करो इसको सिम आइडेंटिटी से ऊपर, a² + b² - 2ab, दूसरा वाला भी a² + b² - 2ab। ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएंगी और बाकी सिंपली हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर 25, दो बार तो 25 आ जाएगा जो कि 50 हो जाएगा। और रूट वाली टर्म का स्क्वेयर है 2 का स्क्वेयर 4 और यहाँ 6 बनेगा, 4 6 24, और दूसरी टर्म भी 24 ही आएगी क्योंकि वो भी सेम ही है। आई होप आप इनको आगे प्लस कर सकते हो, 50 + 48 प्लस कर ले। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, घबराना नहीं ये बहुत सिंपल होते हैं, थोड़ा फोकस्ड रहना, दिमाग लगाना कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आज के कर लो, बात बन जाएगी। अब आ गया एक्स क्यूब आ गया। अब ये क्वेश्चन अच्छा खासा क्वेश्चन है, अगर आया तो लॉन्ग आंसर में आएगा 5 मार्क्स का। अब ये क्यूब को कैसे मैनेज करना है, क्या सर मुझे एक्स का क्यूब करना है, नो, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो एक्स दिया हुआ है तो आपको 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो 1/x की वैल्यू वही रैशनलाइजिंग करना है, तो इट इज 2 - √3 2 - √3, ऊपर आ गया 2 - √3, नीचे a² - b² तो 1/x का जो वैल्यू आया 2 - √3 / 2 का स्केयर 4 और √3 का 3, तो इट इज़ 2 - √3। एक्स का वैल्यू 2 + √3 है और 1/x का वैल्यू 2 - √3 है, आ गया दोनों का वैल्यू। अब यहाँ पे जो क्यूब आपको फाइंड करना है, जो एक्सप्रेशन आपको फाइंड करनी, इसमें आपका आइडेंटिटी यूज होगा, a³ + b³ का नहीं आइडेंटिटी लगाना, a+b का होल क्यूब का आइडेंटिटी यूज करना है, जिसमें ये बन जाएगा क्योंकि उसमें a³ b³ भी आता है, ठीक। तो उसमें हमें जरूरत पड़ेगी x और 1/x के सम की, x और 1/x को प्लस करना है, तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं। तो ये मेरा x आ गया,
और ये मेरा 1 बाय एक्स आ गया, दोनों को प्लस किए जो कि 4 आंसर आ रहा है। तो एक्स और 1 बाई एक्स का सम भी निकाल लिया 4। अब मैं बात करूंगा कि जो मुझे फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करना है। मेरे बच्चे आप बस मुझे बताएं एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब, यानी मैं आपको आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ ए प्लस बी का होल क्यूब, जो आपको पॉलिनोमियल में मैंने पढ़ाई है सिखाई। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB और ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी पहले आपने इस पे अप्लाई करनी है एक्स और 1 बाई एक्स पे। तो ये आपका आएगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3 AB ए प्लस बी, ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखें आप एक्स क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब बन गया ना जो आपको फाइंड करना है। तो इस वैल्यू को निकालना है। अब देखो कैसे निकलेगी, यहाँ पे 3 और एक्स प्लस 1 बाई एक्स बना। तो मैंने बोला था ना एक्स और 1 बाई एक्स का सम हमें चाहिए होगा, तो देखो यहाँ भी सम आ रहा है और यहाँ भी सम आ रहा है, तो इसका वैल्यू हमने 4 निकाला था। 4 का क्यूब एक्स क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब को कुछ मत करना, ये वैल्यू हमारी अभी निकल जाएगी, इसी को फाइंड करना है। यहाँ पे 4 आ गया, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 3 12, 12 इधर आ गया, माइनस का हो गया 12, ठीक है। दैट्स ऑल, दिस योर आंसर। अब माइनस आप कर लेना, आगे 64 में से 12 को माइनस कर ले। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपके माइंड में ये फिट हो जाएगा एक्स और 1 बाई एक्स का वैल्यू सम निकालना। क्वेश्चन नंबर 15 एग्जाम में आएगा ना ये क्वेश्चन, तो आप बोलो सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, हमारे टीचर ने तो कराया नहीं। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, आपको डरा भी रहा है, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, ये सिर्फ डराने के लिए बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस होती हैं। इसको आप सिंप्लीफाई करके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रैशनलाइजिंग अभी नहीं करना है, पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मेरे बच्चे इसमें क्या करना है, जैसे स्क्वेयर रूट ऑफ 10 लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि जो 10 लिखा हुआ है मैं इसको 5 × 2 लिख लेता हूँ, मतलब जितने भी बड़े बड़े नंबर अंदर दिख रहे हैं इनको फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लो। देखते हैं स्क्वेयर रूट किसी का निकल जाए थोड़ा बहुत, जितना भी, जैसे 20 लिखा हुआ है 20 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 4, 20 होता है। 40 लिखा हुआ है 40 को लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं हम 4 × 10, है ना, 40 को लिख सकते हैं 4 × 10। यानी 20 और 40 में हमने देखा कि 4 मिल गया हमें, जो कि परफेक्ट है, वो स्क्वेयर रूट के बाहर हो जाएगा। इसका 5 बच रहा है, इसका 10 बच रहा है। 5 × 2 में कुछ नहीं मिला हमें, बाहर जा नहीं सकते, इसको वापस हम 10 लिख लेंगे, ठीक। और डिवाइड में √5 भी है, √80 भी है। अब 80 के अंदर कोई फैक्टर है ऐसा जो परफेक्ट है? तो आप बोलेंगे यस सर 16 है, 16 × 5 = 80 होता है। डायरेक्ट नहीं, अगर आप सोच सकते हैं तो 80 40 20 इनकी प्राइम फैक्टरेशन कर लेना। हीरो इन फॉर्मूला एक चैप्टर है, उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे ऐसी। अगर कर लिया वो चैप्टर तो उसमें आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, फैक्टर्स बना रहा हूँ और स्क्वेयर रूट के अंदर उन नंबर को बना रहा हूँ जो परफेक्ट होते हैं, और वो बाहर आ जाएंगे। अभी देखें यहाँ पे 15, 5 × 2 कोई भी परफेक्ट नहीं है, तो वापस इसको 10 लिख लो। 4 × 5 में 4 परफेक्ट है, ये बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा। 4 और 10 में 4 परफेक्ट है, बाहर आ जाएगा 2, 5 का कुछ नहीं हो सकता। 16 और 5 में 16 परफेक्ट है, बाहर आ जाएगा 4। क्लियर? देखो अब यहाँ पे सिर्फ दो ही तरह की टर्म्स बची हैं, एक √10 और एक √5, बाकी कुछ भी नहीं है। इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो पहले √10 वाले देख लो, √10 2 √10 दो हैं, ये टोटल 3 हो गए, 3 √10 हो जाएगा। ऊपर 15 चल रहा है, नीचे आ गया 3 √10। अब √5 वाले देखो कितने, 1 2 और 3, ये दोनों माइनस के हैं, ये बनेगा 5 √5 और ये 2 √5, तो 3 √5 रह जाएगा माइनस का, 3 √5। उसके बाद 15, दोनों में 3 कॉमन है, ज़रूर कॉमन लें जो चीज़ कॉमन है। देखो इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो बीच बचा 5 √10 √5। क्या था? कुछ भी नहीं था। देखो यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे इसको मैनेज कर लिया, बस ऐसे ही आपने भी मिड टर्म अपने एग्जाम में या फाइनल एग्जाम में इसको मैनेज करना है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये बेसिक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, इसके आगे मैं आपका दे रहा हूँ करने के लिए आपको, क्योंकि रैशनलाइजिंग आप इसको मेरे ख्याल से कर ही लोगे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आपने अभी प्रैक्टिस कर लिए। सो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को आगे पूरा एंड तक
सिंप्लीफाई करना, देखना आंसर क्या बनता है। रैशनलाइजिंग जैसे करना मैंने लिख दिया है, ठीक है, आई होप आप इसको कर लोगे, जरूर करना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है स्केयर रूट ऑफ एक्स, और स्केयर रूट वन बाई स्केयर रूट ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है प्लस में दोनों। क्यूब वाला करवा दिया, नॉर्मल एक्स वाला करवा दिया, अब स्केयर रूट वाला भी आ गया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्केयर रूट का कैसे मैनेज करना है वो देखें। तो इसमें भी आपको वन बाई एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो रैशनलाइजिंग इसमें भी इसका करना पड़ेगा। सेवन प्लस फोर रूट थ्री, सेवन प्लस फोर रूट थ्री, वन बाय एक्स ऊपर है सेवन प्लस फोर रूट थ्री, नीचे आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सेवन प्लस फोर रूट थ्री, सेवन का स्केयर 49, फोर का स्केयर होता है 16, 16 थ्री सा 48, 49 में से 48 गया वन होता है, तो यानी सेवन प्लस फोर रूट थ्री बता। नॉर्मल इस टाइप पे क्वेश्चन में क्या होता है, जो एक्स का वैल्यू दिया होता है ना वन बाई एक्स का, वही वैल्यू बनता है उसका कॉन्जुगेट, यानी साइन अपोजिट। देखो बीच में इसके माइनस है, इसके बीच में प्लस आ गया, वैल्यू सेम है सारी, क्लियर है। अब इसका सम की जरूरत अगर पड़ेगी तो हम सम निकाल लेते हैं, देखते हैं सम की जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती। एक्स का वैल्यू है सेवन माइनस फोर रूट थ्री, और इसका वैल्यू है सेवन प्लस फोर रूट थ्री, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक माइनस का एक प्लस का, तो 14 आ गया। तो x प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू 14 आ गया। अब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है स्केयर रूट वाली, यानी स्केयर रूट ऑफ x प्लस स्केयर रूट ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें ऐसा मत करना कि x का वैल्यू इसके अंदर डाल दो, रूट बना दो, फिर से रैशनलाइजिंग कर दो डबल डबल, नो। स्केयर रूट ऑफ x वन बाई स्केयर रूट ऑफ x, आप इसका वैल्यू डायरेक्ट नहीं ढूंढ पाएंगे, इसका आप स्केयर की एक्सप्रेशन को लिखो, रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का होल स्केयर, इसका एक्सप्रेशन लिखो क्या होगा, इसकी एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी। तो ये a बोलो, इसको b बोलो, तो a प्लस b का होल स्केयर लिखा हुआ, तो ये लिखा जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए एंड b। इस पे मैंने स्केयर नहीं लिखा, क्योंकि वो रूट, चलो मैं लिख देता हूँ, घबराने की कोई बात है। लो ए स्केयर बी स्केयर टू ए बी, थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो देखो यहाँ x आ जाएगा और यहाँ वन बाई एक्स आ गया, जो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ था, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस टू आ गए। अब x प्लस वन बाई एक्स हमने पहले से निकाला है, जो कि 14 आया था, यहाँ पे 2 है, ये हो गया 16। तो मेरे बच्चे रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स का जो स्केयर है, इसकी जो वैल्यू है 16 आई, लेकिन हमें स्केयर में नहीं चाहिए, हमें नॉर्मली रूट एक्स और वन बाई रूट एक्स चाहिए। तो मेरे बच्चे स्केयर को उधर ले जाओ, इसके ऊपर स्केयर रूट बन जाएगा, 4 आ गया, दैट्स ऑल। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 17। अब कई बार क्या होता है, डिनोमिनेटर में तीन तीन नंबर आ जाते हैं, दो को आपने मैनेज कर लिया, अब तीन आ गए, कई बार चार भी आ जाते हैं। अब देखे मैंने पांच छह भी लिए थे पीछे, कुछ नहीं करना। अब तीन वाले में थोड़ा सा लेंथ ही जाता है, इसको रैशनलाइजिंग ही करना आपको। तो मेरे बच्चे टू प्लस रूट थ्री, फर्स्ट टू टर्म को आप कंबाइन कर लो, और प्लस रूट सेवन सेपरेट कर लो। आप इसको टू टर्म्स अब बोलो, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, बीच में क्या है प्लस, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको रैशनलाइजिंग कर दो। टू प्लस रूट थ्री, इसको माइनस मत कर देना, क्योंकि इसको सिंगल टर्म माना हुआ है, हमने इस प्लस का माइनस यहाँ पे लिखना है रैशनलाइजिंग के लिए। ओके डियर, बस इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए 4 फिलहाल बाहर रखेंगे, 2 प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन, डिवाइड वाले पे फोकस करें, ये वाला और ये वाला, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर, दिस इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रूट सेवन का स्क्वेयर। सिंप्लीफिकेशन करते जाइए, 4 को अभी फिलहाल बाहर रख रहा हूँ, बाहर इसलिए रख रहा हूँ, कई बार क्या होता है डिवाइड में एक ऐसा नंबर कई बार बन जाता है, फोर शायद उसे कैंसिल हो जाए, इसलिए मल्टीप्लाई ना करें, हमेशा बाहर रखें, फैक्टर की फॉर्म में रखें। तो a प्लस बी का होल स्केयर, इसको a प्लस बी का होल स्केयर ओपन कर दो, ए स्केयर टू का स्केयर फोर, रूट थ्री का स्केयर थ्री प्लस टू ए बी, तो जब टू ए बी करेंगे तो ये फोर रूट थ्री बन जाएगा, और यहाँ पे सेवन का स्केयर इज सेवन रूट सेवन, यहाँ माइनस है, देखो 4 और 3 7 होता है और ये 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 4, 2 प्लस रूट थ्री माइनस रूट सेवन, डिवाइड में क्या बच रहा है 4 रूट थ्री, तो देखा ये 4 बाहर रखा था, अब कैंसिल हो गया, अब नीचे आ गया रूट थ्री, नॉर्मली रूट थ्री आ गया। अब इसको रैशनलाइजिंग कर दो, सिंगल टर्म है रूट थ्री के साथ, तो ये बन जाएगा आपका
टू रूट थ्री, रूट थ्री रूट थ्री थ्री हो जाएगा, और सेवन के साथ भी आ जाएगा तो रूट ट्वेंटी वन हो जाएगा। और डिवाइड में क्या है, रूट थ्री ही है, रूट थ्री थ्री होता है, तो डिवाइड में थ्री बन गया, दैट्स ऑल। अब इसमें सेम कुछ भी नहीं है, तो यहीं पर आप इसको छोड़ दें, आगे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ऐड बैड नहीं हो रहा। तो जो क्वेश्चन में आपको तीन तीन नंबर दिख रहे हैं, कुछ नहीं है, पेयर बना लो, फर्स्ट टू का पेयर बना लो, नेक्स्ट टू का पेयर बना लो, फर्स्ट और थ्री का पेयर बना लो, किसी का भी पेयर बना लो, एंड में हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टू का बनाना ही हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई इसमें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे इन दोनों को सेम रख रहा हूँ, आप रूट थ्री रूट टू को सेम रख सकते हो, रूट फाइव रूट टू को सेम रखते हो, किसी को भी सेम रख सकते हो, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एक्सपेरिमेंट करो इस क्वेश्चन पे, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। मैं रैंडमली रूट थ्री रूट फाइव ले रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो, मैंने इनको सिंगल टर्म माना है। तो आप क्या करो, रूट थ्री और रूट टू को पहले लिख लो सिंगल टर्म, रूट फाइव को साइड में, एक क्वेश्चन वो करो एक ये करो, फिर आप रूट फाइव और रूट टू को सिंगल मानो, रूट फाइव और रूट टू को सिंगल मानो, और रूट थ्री को सेपरेट कर दो। तीन तरह से क्वेश्चन मैनेज हो सकता है। अगर आप तीनों क्वेश्चन तीनों तरीके से करोगे ना, आप ये जान पाओगे हमें पेयर किसका बनाना होता है। तो एक्सपेरिमेंट आप करना, आपकी ड्यूटी है, तभी आप मैथ्स में स्ट्रांग हो पाओगे। मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया, देखते हैं किस डायरेक्शन को जाते हैं। तो यहाँ पर रूट थ्री रूट फाइव के बीच का साइन नहीं बदलें, यहाँ पे प्लस करें रैशनलाइजिंग के लिए। तो सिंप्लीफाई करते जाइए बस, ऊपर थ्री बाहर रखना है, ये आ गया रूट थ्री रूट फाइव एंड रूट टू। अब यहाँ पे इसको आपने पूरी टर्म को ए बोलना है, इसको बी बोलना है, ये पूरी टर्म ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। सिंप्लीफिकेशन करते जाइए, बाहर थ्री है, अंदर आपका रूट थ्री प्लस रूट फाइव माइनस रूट टू न्यूमिनेटर में है, और डिवाइड में ऊपर तीनों प्लस के हैं। डिवाइड में अब इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो आएगा ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर, और टू ए बी करेंगे तो रूट फिफ्टीन हो जाएगा, और यहाँ पे है माइनस टू, तो मेरे बचे थ्री रूट फाइव रूट टू, पाँच और तीन आठ, आठ में से दो गया छ, टू रूट फिफ्टीन। टू और सिक्स में टू कॉमन है, कोई फ़ायदा नहीं लेने का, लेना चाहते तो ले सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को तीन बार करो, अभी जो मैंने ये क्वेश्चन इसमें किया कि मैंने फर्स्ट टू को कंबाइन किया, ठीक है, अब देखो मेरे लिए यहाँ पर फिर से एक बड़ा क्वेश्चन बन गया रैशनलाइजिंग करने के लिए, समझ आ रहा है। लेकिन अगर आप शायद रूट थ्री और रूट टू को कंबाइन करें, हो सकता है क्वेश्चन जल्दी आ जाए, या फिर रूट फाइव और रूट टू को कंबाइन करें, रूट थ्री को सेपरेट करें, क्वेश्चन शायद जल्दी हो जाए। तो ज़रूर एक्सपेरिमेंट करना मैथ्स को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। तो वैसे पेयर किसी का भी बनाओ, क्वेश्चन हो जाता है, कई बार थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब आपने इसको फिर से रैशनलाइजिंग करना है, तो मैं यहाँ पे सिक्स प्लस रूट फिफ्टीन दोनों को साथ ही ले लेता हूँ, वैसे टू कॉमन है तो कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सिक्स एक छोटा नंबर है, मैनेज हो जाएगा, बीच में माइनस लिखना है, ठीक है, माइनस। तो ये आपके पास आ गया थ्री रूट फाइव रूट टू, सिक्स माइनस टू रूट फिफ्टीन, होल डिवाइड में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसके आगे मैं आपकी ड्यूटी दे रहा हूँ, इस रूट थ्री को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, रूट फाइव को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, रूट टू को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये क्वेश्चन जा रहा है लेंथी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन इजी वे में भी हो सकता है अगर आप पेयर सही सेलेक्ट करेंगे, ये आपका ड्यूटी है। देखें यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने फर्स्ट टू को पेयर लिया, और यही सोच से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टू का पेयर ले लिया, तो मैं फंस गया वहाँ पर, लेंथी जा रहा है क्वेश्चन, मैं फंसा नहीं, क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथी जा रहा है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि किन का पेयर बनाना होता है, समझ आ रहा है। जब आप तीन तरह से इसको करेंगे तो
आप खुद ही समझ जाए। ठीक है, करना जरूर इसको, कुछ तो मेरे बच्चे करेंगे ना। हैं, बिल्कुल। नाउ द क्वेश्चन नंबर 19, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देख के बच्चे इसमें भी घबरा जाते हैं, सर ये तो कैसा लिख दिया। ये भी बहुत सिंपल होता है। बेसिकली ये जो बेसिक क्वेश्चन मैंने किए हैं स्टार्टिंग में, फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन, उस जैसा ही है। आपने इन सब को इंडिविजुअली रैशनलाइजिंग करना है। बेसिकली ये फोर क्वेश्चंस हैं, इन फोर क्वेश्चंस को आपको रैशनलाइजिंग करना है, यानी फोर क्वेश्चंस एक साथ आपको दे दिए गए। तो ये भी मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, रीज़न बता दो दिया कैसे करना है। इसको अलग रैशनलाइजिंग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, ये चार क्वेश्चन हैं। इनके जो रिजल्ट आएंगे इनको प्लस कर देना। मैं एक पार्ट करके बता देता हूँ, सेपरेट करें, सेपरेट। इसको उठाया मैंने, इसको रैशनलाइजिंग कर रहा हूँ, इसको मैंने रैशनलाइजिंग किया, 3 - √7, 3 का स्क्वेयर, यहाँ पे √7 का स्केयर, फिर आ गया 3 - √7, 3 का स्केयर 9 होता है, √7 का 7 आ गया, फिर आ गया 3 - √7/2। तो जो मेरी फर्स्ट टर्म है इसकी जो वैल्यू है वो 3 - √7/2 है। ऐसे ही इसकी वैल्यू को भी निकालना है, रैशनलाइजिंग करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है। इस तरह से जो चार टर्म्स आपको न्यू मिलेंगी उनको प्लस करना, सब सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक छोटा सा आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है बेटा, इनको भी रैशनलाइजिंग करके बाद में प्लस कर ले। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके हैं, ए और बी का हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर से मैंने एक क्वेश्चन और सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर मैंने नंबर भी साथ में रखे हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन आप सीख पाएँ। तो 2 - √5 के साथ आप इसको पहले रैशनलाइजिंग कर लो, a + √5 + b। तो यहाँ पे ये दोनों क्या सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है, होल स्केयर नहीं बनेगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसलिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया कि मल्टीप्लिकेशन भी आप सीखें अच्छे से। 2 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर √5 को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और नीचे तो आइडेंटिटी बनेगी ही बनेगी, इट इज़ a² - b²। यहाँ पर जो राइट साइड में बस उसको लिखते जाना है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 = 4, 2 3 = 6 √5। ठीक है, 2 3 = 6, बीच में माइनस है, माइनस यहाँ पे, बस ये प्लस माइनस का ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 4 - 6 √5, फिर आ गया 2 √5, 2 √5, उसके बाद आ गया +3 * √5 √5, 5 3 = 15 हो जाएगा, +15। ठीक है, और नीचे आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 5 = 45, -45। और यहाँ पे जो चल रहा है a√5 + b, इसको लिखते जाना, यही फॉर्म लेफ्ट में बनेगी। अब देखिए यहाँ पे 4 और 15, ये हो गया 19, ये 2 √5 6 √5 हो गया 8 √5। 4 और 45 को माइनस करो, ये आ गया 41, ये आ गया a√5 + b। तो मेरे बच्चे यहाँ पे एलसीएम सेपरेट करो, 19 के नीचे 41 अलग से, 8 √5 के नीचे 41 अलग से एलसीएम सेपरेट कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे 19 के साथ माइनस ऊपर ले जाओ, 41 नीचे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 √5/41 = a√5 + b। अब मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा। नंबर वन, यहाँ पे √5 का कोफिशियंट कौन है? तो आप मुझे बोलोगे a, और मैं लेफ्ट साइड में भी आपको पूछूंगा √5 का कोफिशियंट कौन है? तो आप मुझे बोलोगे 8/41। तो बस इनका कंपैरिजन से ऐसे वैल्यू निकल जाता है, याद है। फिर मैं पूछूंगा यहाँ पर रैशनल नंबर कौन है जो बिना रूट के, तो आप बोलोगे b। फिर मैं आपको पूछूंगा यहाँ कौन है b की जगह, तो आप बोलोगे -19/41, दैट्स ऑल। तो मेरे बच्चे ये थे आज के हमारे, ये नेक्स्ट टॉपिक है, आज के हमारे कितने हैं? 20 क्वेश्चंस। अगर आपके ये 20 क्वेश्चंस परफेक्ट है ना, तो रैशनलाइजिंग का कोई भी क्वेश्चन मिड टर्म फाइनल में आएगा आप कर लोगे, क्योंकि इसके इससे भयंकर या इससे डिफिकल्ट हाई लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता, 9th क्लास के CBSE एग्जाम में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।